नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के धुरंधर की श्रृंखला में आज हम मिल रहे हैं भारत के सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट के महान कप्तान, विकेट कीपर, बल्लेबाज के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं। वह दाएं हाथ के विकेट कीपर, बल्लेबाज थे तथा शांत कप्तानी और तंग परिस्थितियों में मैच को अपने पक्ष में करने की अद्भुत कला के लिए विख्यात। इनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। क्रिकेट जगत में वह माही MSD, MS, कैप्टन कूल और थाला के नाम से विख्यात हुए। इनके पिताजी का नाम पान सिंह था तथा इनकी माता का नाम देवकी देवी था। महेंद्र सिंह धोनी एक मध्यम परिवार से थे। शुरुआती दौर में इन्हें बैडमिंटन और फुटबॉल में रुचि थी। इंटर स्कूल प्रतियोगिता में धोनी ने इन दोनों खेलों में प्रतिनिधित्व भी किया और अच्छा प्रदर्शन किया। वे अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे। उनके फुटबॉल टीम के कोच ने एक बार उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए भेजा। इससे पहले उन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला था, परंतु अपनी विकेट कीपिंग से उन्होंने सबको खासा प्रभावित किया। इसके बाद 1995 से लेकर 1998 तक वह कमांडो क्रिकेट क्लब के नियमित विकेट कीपर बन गए। 1997-98 में वीनू मांकड़ ट्रॉफी के लिए अंडर-16 चैंपियनशिप में उनका चयन हो गया और धोनी ने शानदार प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में किया। 10वीं कक्षा में आते आते इन्होंने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट के ऊपर केंद्रित कर दिया। घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन का शानदार दौर चलता रहा। 1998-99 में उन्हें बिहार क्रिकेट टीम में भी जगह मिल गई। अपने उत्कृष्ट खेल के कारण उन्हें 2004 में भारत ए टीम के प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिला। इस त्रिदेशीय श्रृंखला में उन्होंने गौतम गंभीर के साथ मिलकर कई अविस्मरणीय पारियां खेली और शतक भी बनाए। तत्कालीन कप्तान सौरभ गांगुली की नज़र महेंद्र सिंह धोनी पर पड़ चुकी थी। भारतीय टीम के कोच संदीप पाटिल ने विकेटकीपर, बल्लेबाज के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह के लिए धोनी की सिफारिश भी की और 2004 के अंत में उन्हें भारतीय टीम के लिए चुन लिया गया। धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच 2 दिसंबर 2004 को पाकिस्तान के विरुद्ध खेला और 10 साल तक वह भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा रहे। अपनी विकेट कीपिंग, बल्लेबाजी और सूझबूझ भरी कप्तानी से उन्होंने कई बार असंभव को संभव कर दिखाया। 26 जनवरी 2014 को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ पदार्पण किया और 15 साल तक अपनी विकेट कीपिंग, सूझबूझ भरी कप्तानी, शानदार बल्लेबाजी और परफेक्ट फिनिशर के रूप में असंख्य चमत्कारों को जन्म दिया। 10 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना अंतिम एक दिवसीय मैच खेला। क्रिकेट के हर प्रारूप के वह शानदार खिलाड़ी रहे। T20 मैचों में उन्होंने 11 साल तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की। T20 में 1 दिसंबर 2016 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैरियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। अपने कैरियर का अंतिम T20 मैच उन्होंने 22 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के विरुद्ध खेला। धोनी ने अपने कैरियर में 90 टेस्ट मैच खेलकर कुल 4,876 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट मैचों में 224 रन उनका उच्चतम स्कोर है। साथ ही उनके नाम 256 कैच और 38 स्टंप भी दर्ज हैं। यदा कदा वह दाहिने हाथ से मध्यम तेज गति की गेंदबाजी भी किया करते थे तो टेस्ट मैच में उनके नाम एक विकेट भी दर्ज है। अपने 350 एक दिवसीय मैचों में धोनी ने 10 शतक और 73 अर्धशतक के साथ 10,773 रन बनाए। एक दिवसीय मैचों में उन्होंने 321 कैच के साथ साथ 123 खिलाड़ियों को स्टंप आउट भी किया। साथ ही एक दिवसीय मैच में 14 रन देकर उन्होंने एक विकेट भी लिया है। एक दिवसीय मैचों में उनका उच्चतम स्कोर 183 रन नॉट आउट का है। अपने 98 T20 मैचों में उन्होंने 1,617 रन बनाए, जिनमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। T20 मैच में उनका सर्वाधिक स्कोर 56 रनों का है। T20 में उन्होंने विकेट के पीछे 57 कैच लिए तथा 34 खिलाड़ियों को स्टंप आउट किया।
2004-05 में बांग्लादेश दौरे में वह एक दूसरी टीम का हिस्सा बने। बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए राहुल द्रविड़ ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी स्वयं संभाली। अपने पहले एक दिवसीय मैच में धोनी बिना खाता खोले रन आउट हो गए। इस दौरे में धोनी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु इसके बावजूद भी पाकिस्तान के खिलाफ उनको टीम में जगह मिल गई। श्रृंखला के दूसरे और अपने पांचवें एक दिवसीय मैच में विशाखापट्टनम में धोनी ने कहर बरपा दिया और 123 गेंदों में विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में धोनी ने सर्वाधिक 148 रन ठोक दिए। अक्टूबर नवंबर 2005 में श्रीलंका के खिलाफ पहले दो मैचों में उन्हें बल्लेबाजी करने का अवसर नहीं मिला, परंतु जयपुर के तीसरे मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 183 नाबाद रनों की शानदार मैच जिताऊ पारी खेली। धोनी ज्यादातर बैकफुट पर मजबूत बॉटम हैंड ग्रिप के साथ खेलते थे। उनका बल्ला बहुत तीव्र गति से घूमता था और गेंद मैदान के बाहर ही दिखाई देती थी। सीमित ओवरों के मैच में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ भारतीय टीम में अब उनका स्थान पक्का हो चुका था। 2005-06 के अंत में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के कारण धोनी एक दिवसीय रेटिंग में नंबर एक बल्लेबाज बन चुके थे। 2006 में भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, डीएलएफ कप और वेस्टइंडीज तथा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला हार गया। धोनी के फॉर्म में भी कुछ गिरावट देखी गई। 2007 के विश्व कप में भारत पहले राउंड में ही बाहर हो गया। वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश के खिलाफ धोनी का बल्ला खुल कर गर गया और शानदार बल्लेबाजी के कारण उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। 2007 में इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें एक दिवसीय टीम का उप कप्तान चुन लिया गया। इस श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कई जिम्मेदारी भरी पारियां खेली। उनके हेलीकॉप्टर शॉट, आक्रामक बल्लेबाजी और लंबे बालों ने उन्हें भारत का सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी बना दिया। 2005 में धोनी का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा, परिणामस्वरूप टेस्ट मैचों में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी दिनेश कार्तिक की जगह धोनी ने संभाल ली। श्रीलंका के विरुद्ध अपने पहले मैच में धोनी ने 30 रन बनाए। दूसरे टेस्ट में धोनी ने अपना तेज अर्धशतक बनाया। भारत ने 436 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और श्रीलंका की समूची टीम मात्र 247 रनों पर ही सिमट गई। जनवरी फरवरी 2006 में पाकिस्तान का भारत ने दौरा किया। भारत की नाजुक स्थिति में पहले 34 गेंदों में धोनी ने ताबड़तोड़ अपना अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद 93 गेंदों में अपना पहला शतक जमाया। 2006 के अपने पहले T20 में दक्षिण अफ्रीका के लक के खिलाफ धोनी ने एक रन आउट किया और एक कैच लिया। इस मैच में वह कोई रन नहीं बना सके। भारत ने यह मैच हालांकि 6 विकेट से जीत लिया। 2007 के T20 विश्व कप में वह भारत के कप्तान बने। अपनी युवा टीम के साथ उन्होंने भारत को चौंकाने वाली जीत दिलाकर खिताब पर कब्जा कर लिया। धोनी के शांत और संयमित नेतृत्व की काफी प्रशंसा हुई। उनके शानदार फॉर्म को देखते हुए उन्हें वन डे की कप्तानी भी सौंप दी गई। राहुल द्रविड़ और तेंदुलकर ने धोनी को कप्तान बनाए जाने की सिफारिश और पेशकश की थी। 2008 के अंत में अनिल कुंबले ने जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया तो टेस्ट क्रिकेट की कमान भी महेंद्र सिंह धोनी को सौंप दी गई। कप्तान के रूप में धोनी का कार्यकाल स्वर्णिम रहा। शुरुआत से ही उन्होंने अजेय प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली बार भारत की टेस्ट टीम को दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम बनाया। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज जीती। 2009 में न्यूजीलैंड में 0 से जीत दर्ज की और घरेलू मैदान में श्रीलंका को 2-0 से पराजित किया। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में एक शानदार उपलब्धि के कारण उन्हें प्रतिष्ठित टेस्ट चैंपियनशिप गदा प्रदान की गई। इसके बाद घरेलू मैदान पर भारत ने अपना दबदबा बनाए रखा था। दक्षिण अफ्रीका में सीरीज भी ड्रॉ कराई। सीमित ओवरों के मैच में उनका जादू सर चढ़कर बोलने लगा था। 2011 का विश्व कप धोनी की चतुर कप्तानी से जीता गया। अहमदाबाद के क्वार्टर फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो 1999 से लगातार विश्व कप का धारक था। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में धोनी ने नाबाद 91 रन बनाए।
लॉन्ग ऑन पर एक अविस्मरणीय छक्का लगाकर उन्होंने भारत को विश्व कप जिताया, जिससे मुंबई के साथ साथ समूचे भारत ने रात भर जश्न मनाया। धोनी मैन ऑफ द मैच रहे। इसके बाद भारतीय टेस्ट टीम ने काफी बुरा दौर देखा। इंग्लैंड में भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा और भारत को पराजित करके इंग्लैंड ने भारत से नंबर एक का ताज छीन लिया। धोनी के नेतृत्व पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी ने उन्हें काफी निराश किया था। गेंदबाजी में भी उतनी धार और पैना पर नहीं रह गया था, क्योंकि जहीर खान लंबे समय से चोट से जूझ रहे थे। धोनी ने निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कई शानदार पारियां खेली, रन भी बनाए, परंतु साथी खिलाड़ियों का साथ धोनी को नहीं मिला। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले चेन्नई में 224 रनों की मैराथन पारी खेलकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना इरादा जाहिर कर दिया और क्लीन स्वीप करते हुए उन्होंने 4-0 से ट्रॉफी जीत ली। साथ ही 40 से अधिक वर्षों में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हराने वाली पहली टीम वह बन गई। अब तक किसी भी कप्तान के रूप में धोनी सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीत चुके थे। एक दिवसीय क्रिकेट में धोनी ने रन चेस करने की एक अनोखी क्षमता विकसित की। यदि धोनी क्रीज पर है तो आखिरी ओवर तक परिणाम अपने पक्ष में वह मोड़ लेने की काबिलियत रखते थे। सीबी सीरीज में 4 गेंदों पर 12 रन बनाकर एडिलेड में 112 मीटर का छक्का मारना, सेलकॉन कप में अंतिम ओवर में 15 रन का पीछा करना तथा 2016 के आईपीएल में अक्षर पटेल के अंतिम ओवर में 23 रन बनाकर जीत हासिल करना किसी करिश्मे से कम नहीं है। इसी तरह एक मैच में 12 रन की जरूरत थी और अंतिम दो गेंदों में लगातार दो छक्के मारकर उन्होंने एक अविश्वसनीय जीत दर्ज की। सीमित ओवरों के क्रिकेट में वह सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज बन चुके थे। चेन्नई के एक मैच में भारत के 29 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए धोनी की 113 रनों की शानदार शतकीय पारी लोग आज भी भूले नहीं हैं। 2013 में कप्तान के रूप में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को जीत दिलाई। 2014 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मेलबोर्न टेस्ट को ड्रा कराने के कुछ ही देर बाद महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से हटने और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करके सबको अचंभे में डाल दिया। उन्होंने 2015 के विश्व कप में लगातार तीसरी बार टीम का नेतृत्व किया। सभी ग्रुप मैच जीतते हुए भारत को उन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंचाया। लगातार 11 विश्व कप मैच जीतकर धोनी ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत के वह पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने के 100 वनडे मैच भारत को जिताए। 4 जनवरी 2017 को एक दिवसीय क्रिकेट तथा T20 से उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। 15 अगस्त 2020 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एक अजूबा है, अपने पहले एक दिवसीय मैच में वह रन आउट हुए और अपने आखिरी एक दिवसीय मैच में भी वह रन आउट हुए। भारतीय टीम के सफल कप्तान की 7 नंबर जर्सी बीसीसीआई ने रिटायर घोषित कर दी। धोनी की यह जर्सी अब किसी भी भारतीय खिलाड़ी के लिए उपलब्ध नहीं होगी। धोनी की उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण 2008 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2009 में उन्हें पद्मश्री मिली और 2018 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। वह विश्व के अकेले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट विश्व कप, T20 विश्व कप और ICC चैंपियंस ट्रॉफी तीनों जीते हैं। धोनी भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक रखते हैं। धोनी की गिनती दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में की जाती है। तो मित्रों, रिटायरमेंट के बाद भी IPL में CSK की तरफ से खेलते हुए धोनी का बल्ला आज भी गरजता है। 2024 में आप सबको याद होगा, धोनी का बल्ला खुल के गरजा, जम के गरजा। तो ये थी महेंद्र सिंह धोनी से आपकी मुलाकात। इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब की ज़रूरत है और भारतीय क्रिकेट के धुरंधर की श्रृंखला की अंतिम कड़ी थी। अब कुछ दिन विश्राम करूंगा मैं और एक नई श्रृंखला बनाऊंगा
माँ भारती के गुमनाम योद्धा के ऊपर, उसके बारे में सूचना आपको जल्दी और समय पर मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।